हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पे। आज हम बनाना बताएंगे एक कुर्ती नई डिज़ाइन की। कुर्ती काटने के लिए हमने ये अस्तर का कपड़ा बिछा लिया है। ये हमने ऊपर की चोली काट रहे हैं। चोली की लंबाई हमारी 13 इंच की थी। देखिए, चार फोल्ड में हमने कपड़ा बिछा लिया है ऊपर का, और इसकी हम लंबाई 14 इंच लेंगे। 14 इंच पे हमने निशान लगा लिया। इधर से भी हम 14 इंच का निशान लगा लेंगे और कपड़े को बराबर कर लेंगे। अब हम तीरे का निशान लगाएंगे। तीरा हमने 6.5 इंच का लिया है। आर्म होल हमने 7 इंच लिया है। ये देखिए, इधर से भी हम 7 इंच का निशान लगा लेंगे और ये हम ब्लॉक बना लेंगे। फिटिंग मेरी 10 थी और हमने 2 इंच प्लस करके लिया है सिलाई मार्जिन। ये देखिए, राउंड से गुलाई दे देंगे। कमर मेरी 16 थी, 16 के आधा 8 लिया है और 1 इंच प्लेट के लिए लिया है, 9 इंच ले लिया हमने। अब 2 इंच हम सिलाई मार्जिन का लेंगे। ये अब इसको हम ऊपर से नीचे तक तिरछा निशान लगा देंगे, इसकी कटिंग कर लेंगे। तीरे में हम 1/2 इंच की शेप देंगे, इसकी हम कटिंग करके ये देखिए। अब हम इसमें प्लेट ऊपर से 10 इंच पे लगाया है और ये हम 4 इंच की चौड़ाई ली है। इधर से भी हम 4 इंच पे निशान लगा लेंगे। ऐसे ही दोनों पल्लों में हम निशान लगा लेंगे। ये देखिए, पल्लों को अलग अलग कर लेंगे। ये दोनों पल्ले अलग हो गए। आगे के पल्ले में आर्म होल में 1/2 इंच की गहरान दे देंगे। अब हम ये बीच की पट्टियाँ निकालेंगे, घेर की बीच की पट्टियाँ निकालेंगे। लंबाई हमारी 34 इंच है। कुल लंबाई हमारी 48 इंच है। 14 इंच के हमने ऊपर निकाल दिया है चोली की लंबाई और हमने 34 इंच ये लिया। 6.5 इंच की ये हम बीच की पट्टी की चौड़ाई लेंगे। विथ सिलाई समेत 6.5 इंच हमने लिया है। 1/2 इंच सिलाई में चला जाएगा, तब मेरा कपड़ा 12 इंच का बचेगा। अब इसको हम कटिंग कर लेंगे। ये देखिए, ये बीच की नीचे की घेर की पट्टियां हैं। अब इसको हम बीच से अलग कर लेंगे। दो पल्ले मेरे तैयार हो गए, आगे और पीछे के पल्ले। ये देखिए, अब इसमें हम साइड में चुन्नट के लिए कपड़ा निकालेंगे। जो मेरी ये लंबाई थी सामने की, उसी लंबाई से हम 34 इंच की लंबाई लेंगे। इसकी चौड़ाई हमने 16 इंच ली है। इसमें चुन्नट पड़ेगी साइड में।
ऐसी ही हम चार पट्टियां निकालेंगे। ये देखिए, ये एक पट्टी हो गई, इसकी हम कटिंग कर लेंगे। देखिए एक पट्टी हो गई, तीन पट्टियां और तैयार करेंगे। इसी साइज से हम तीन पट्टियां और तैयार कर लेंगे। इसको हम बराबर कटिंग कर लेंगे। दो पट्टी तैयार हो गई, दो और हम निकालेंगे। इसको बराबर रख के हम 34 इंच की कटिंग कर लेंगे पूरी। ये देखिए 1, 2, 3, 4 चार पट्टियाँ मेरी ये कट गई हैं। ये साइड की पट्टियाँ हैं, में हम चुन्नट देंगे। ये देखिए, ये बीच की पट्टी है। ये देखिए, अब हम इन्हीं पट्टियों को रख के साड़ी में कटिंग कर लेंगे। ये मेरी साड़ी ख़राब हो गई थी, उसी से हम फ्रॉक वाली कुर्ती बना रहे हैं। पहले हम इसमें हम चोली निकालेंगे। ये देखिए, इसकी पूरी ऐसे ही कटिंग कर लेंगे। अब हमने ये देखिए बीच की पट्टी निकाल ली। अस्तर से हमने ऊपर का हिस्सा 3 इंच बढ़ा लिया है। ये देखिए 3 इंच बढ़ा लिया है। ये ऊपर फोल्ड में चला जाएगा। ऐसे ही हम चार पट्टी और निकालेंगे साड़ी में। ये देखिए, ये भी हम चार पट्टी निकाले हैं। लंबाई में हमने इसको भी 3 इंच बढ़ा लिया है। देखिए 3 इंच हमने बढ़ा लिया है। देखिए 1, 2, 3, ये देखिए 4, चार पल्ले ये हो गए।
देखिए ऊपर की ये चूली है, कुर्ती की कटिंग मेरी कंप्लीट हो गई है। ये दो पट्टियाँ हैं, ये साइड में दो पट्टियाँ लगेंगी, एक आगे के पल्ले में और एक पीछे के पल्ले में। साइड साइड में चुन्नट पड़ जाएगी बीच में। इसमें हम गोटे पट्टी का डिज़ाइन डालेंगे आगे की चोली में। कटिंग मेरी हो गई, अब हम स्टिचिंग बताएंगे। ये हम गोटा लगाएंगे, एक एक इंच की दूरी पे हमने निशान लगा लिया है। ऐसे ही पहले एक लहरिया वाला गोटा लगाएंगे, फिर हम एक पतला गोटा लगाएंगे। अब इसमें हम गले की कटिंग करेंगे। गले की चौड़ाई हमने 4 इंच ली है और लंबाई हमने 5 इंच। देखिए इसमें हम गोलाई दे देंगे। अब गले की कटिंग कर लेंगे। अब इसमें जो बीच में जगह खाली है उसमें भी हम गोटा लगा लेंगे। गले में मशीन चला के हमने गला बिठा लिया है। ये देखिए, देख चौड़ा गोटा लगा था, अब हम पतला गोटा लगा के ऐसे ही ब्लॉक बना लेंगे। जो जगह खाली है उसमें भी हम ऐसे ही चौकोर चौकोर पूरे में लगा लेंगे। ये देखिए देखिए हमने पूरा लगा लिया है। चोली मेरी फिनिश हो गई है, अब हम पीछे का गला कटिंग करेंगे। बैक पल्ला है, बैक पल्ले में हम प्लेट का निशान जो लगाया था इसमें हम प्लेट दे लेंगे। शोल्डर ज्वाइंट करेंगे, उसके बाद हम गले में पट्टी लगाएंगे। ये देखिए अब हम घेर तैयार करेंगे। पहले हम गोटा पट्टी आगे लगा लेंगे, सिंगल पल्ले में हम ये लगा रहे हैं। ये देखिए हमने इधर भी हम
एक साइड लगाया ऐसे ही दूसरी साइड भी हम लगाएंगे। अब हम इसके ऊपर साइड का पल्ला रख के गोटे के ऊपर सिलाई करते चले आएंगे। पूरा गोटा हमारा अंदर दबे ना, इतनी सिलाई हम करेंगे। ये देखिए बस एक चापे की मशीन से ही फिनिश कर लेंगे। ये देखिए अब इसके ऊपर हम गोटे को बैठाने के लिए मशीन चला लेंगे। ये देखिए पूरे में ऐसे ही मशीन चला लेंगे। ऐसे ही जैसे गोटा लगाया है अब हम दूसरी तरफ भी ऐसे ही लगा लेंगे। ये देखिए इसमें हम साइड में चुन्नट डाल के चोली फिट कर देंगे। ये देखिए फिर हम फिटिंग दे लेंगे। ये देखिए ये कट स्लिप है। आर्म होल में भी हमने गोटा लगा के फिनिश कर लिया है। ये देखिए पीछे के पल्ले में भी हम चोली अटैच कर लेंगे। ये देखिए इस पर हम पूरी मशीन चला के फिनिश कर लेंगे और आर्म होल में हम गोटे से हम फिनिश कर लेंगे। मेरी कुर्ती कंप्लीट हो गई। मेरी वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। आगे मेरे चैनल पे ऐसी ही वीडियो मिलती रहेंगी। थैंक यू एंड धन्यवाद।